हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 2/24 नोटिफिकेशन शाम में आ गई थी। हालांकि मैं बिजी था, नहीं उसको देख पाया हूँ, लेकिन सुबह मैंने स्टडी किया। दो तीन चार चीज़ें जो हेडलाइट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेवल 1 सिग्नल का एग्ज़ाम है, इसमें टेक्निकल एग्ज़ाम है। लेवल 2 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम है उसमें कोई टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं है, यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल 10th वाला साइंस देके आपको पेपर निकल जाएगा। यानी कंपटीशन तो फाइट होगा इसी में ज़्यादा, आपका लेवल 2 में सिग्नल वाला लेवल 1 में अच्छा खासा इंजीनियरिंग का है और 35 नंबर में बहुत सारा सिलेबस दे दिया है 2/24 टेक्नीशियन के लिए। फिटर का पोस्ट बहुत कम है, एक ही CBT होगा, C1 मेडिकल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जो लोग अपीयरिंग में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट अगर कोई RRC में अप्लाई करते हैं तो वहाँ उनके ट्रेड का पोस्ट इतना कम हो सकता है या इतना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन इस बार बहुत डिफरेंस रहा है। क्योंकि अभी ट्रेड से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी मैच करना पड़ेगा कि आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको क्या है। कुछ लोग बोल रहे थे PCM वाला सिग्नल 1 में हम अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते, तो पहले तो PCM की बात हो रही थी, लेकिन अभी का नोटिस में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है केवल फिजिक्स को अलाउ किया है, बैचलर इन फिजिक्स, बाकी चीज़ों को नहीं लिखा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह का आपका है क्वालिफिकेशन, तब अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 का। लेवल 1 में आपका ITI नहीं छोड़ के डिप्लोमा डिग्री और BSc यानी बी कैंडिडेट तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 में आपका ITI कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लियर किया हुआ है बिल्कुल साफ साफ। उसके जगह पे आपका NSE अप्रेंटिस है वो वाला आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रेलवे से अप्रेंटिस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं नोटिफिकेशन में कैसा लिखा हुआ है। वेबसाइट पे तो सभी पे अब लगभग आ गया, कल शाम को करीब 2:20-22 से आना शुरू हुआ था, उसके बाद सारे वेबसाइट पे ये सारा आ गया है हिंदी इंग्लिश में। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी आपको चांस मिल गया है, हालांकि इस बार कंपटीशन तो बहुत टफ है और पैटर्न भी बहुत अलग हो गया है। एक बार में RR पार की लड़ाई है तो यानी कट ऑफ बहुत तेज होगा, और ख़ास करके टेक्नीशियन 2 की। सिग्नल वाला में तो इशू ये रहेगा कि टेक्निकल एग्ज़ाम का अच्छा खासा उन्होंने पोर्शन भर दिया है, अगर पेपर सही से बन गया तो उसमें टेक्निकल एग्ज़ाम के कारण से कुछ कट ऑफ कम होगा, लेकिन कंपटीशन फाइट होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि पहले 9,000 पोस्ट बोला गया था, थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया है, यानी 9114 यानी 114 पोस्ट ज़्यादा बढ़े हैं, 1092 लगभग 1100 पोस्ट आपके रह गए केवल उन वाले कैंडिडेटों का जो B1 मेडिकल हैं और लेवल 5 के अच्छे पोस्ट सिग्नल में जाना चाहते हैं। 29,200 बेसिक पे इनिशियल है, यानी JEE के जूनियर इंजीनियर से जस्ट एक कम वाला। बाकी 8,052 पोस्ट आपके रखे गए हैं लेवल 2 के लिए, जिसमें अलग अलग ITI के ट्रेडों और सलग NSE के लिए दिया गया है। बाकी एज लिमिट में 3 साल तो छूट दे ही दिया है, आपने देख ही लिया होगा LP टेक्नीशियन में यहाँ भी दिया गया है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो एक एक करके देखेंगे तो सारा डिटेल मिलेगा आपका वैकेंसी के बारे में स्टैंडर्ड का। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में जिनका भी मेडिकल C1 और C2 है वो नहीं भरे, A3 B1 और B2 मेडिकल ही है। और B2 मेडिकल में देखिएगा एक आँख 6x9 और एक 6x12 विथ 4D चश्मे की पावर इससे ज़्यादा के साथ नहीं होनी चाहिए, नियर विजन होनी चाहिए, मस्ट भी पैसे बकुलर विजन में होना चाहिए ये बिनो। तो यहाँ से ध्यान देखिएगा कि जो भी पोस्ट आप अप्लाई कीजिएगा मेडिकल का स्टैंडर्ड जरूर देख लें, और देखते वक्त ही अप्लाई करें, आप गलत कर लेंगे बाद में दिक्कत आ जाती है। लोग सारा मेहनत करते हैं, फाइनल में जाके रेलवे में दिक्कत आ जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा रखना चाहिए और उसको मेंटेन करने की आप कोशिश करनी चाहिए। एग्ज़ाम 1-1.5 साल बाद भी कई बार हो जाता है, और तो
एज में आपको उसी हिसाब से छूट है, सबका 3 साल तो मिलेगा ही, और 33 के अलावा भी कुछ न कुछ कैंडिडेट का है, 30-33 वो मिलेगा सबको। उसके बाद आपका EBC वगैरह नहीं भरिएगा, बेकार का बाद में परेशानी आता है कैंडिडेट को। हालांकि इनकम छूट मिलता है, कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है, तो काहे के लिए EBC भरना एग्ज़ाम फीस करने के लिए। अब सिलेबस की बात करेंगे तो दोनों का अलग अलग है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेवल 5 वाला होगा। उसमें लेवल 5 वाले में 100 नंबर के क्वेश्चन 90 मिनट का है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको मल्टीपल शिफ्ट हो सकता है एग्ज़ाम। मिनिमम क्वालिफाई पिछले जैसा ही है, UR के लिए, UR EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30, AC के लिए 30 और ST के लिए 25% मिनिमम लाना है। 2% PWD को छूट मिलता है। CBT के आपका फर्दर स्टेज में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में करा जाएगा। हालांकि मार्क्स शैल बी CBT चिलियर काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये कॉपी किया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब CBT 1 एक ही है तो इसकी आगे के लिए कोई नाम का ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे किसके से, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग हो गया आपका, इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये तो हर बार रहता था। और उसके बाद मैथमेटिक्स में देखिएगा तो मैथमेटिक्स को नाम देख के आपको लगेगा अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा सारे जोड़ दिया है। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सिलेबस बहुत सारा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब है। यहाँ 10+10 वाला साइंस पूरी है और साथ में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सिलेबस है। हालांकि छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन लगेगा आपको नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फ्लक्स, यह है आपका डिवाइस सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आपका। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेंज ऑफ एक्सटेंशन मेथड है, कैथोड, CRA हो गया, LED, LCD, ट्रांजिस्टर वगैरह, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग पूरा चीज़ें हैं। और 10+2 वाला सारे एकदम बिल्कुल सिलेबस को ले रखा है, यानी यहाँ पे टेक्निकल जो 35 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो कुल मिला के कम्पिटिशन को सही बनाएगा। लेकिन उसी तरह जैसे ही लेवल 2 में आते हैं, लेवल 2 में आपका ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, और ये लेवल 2 में जाके आपको सिलेबस में मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग साइंस, जनरल साइंस जो 10 का होगा, और जनरल अवेयरनेस, यानी कुल मिला के देखें तो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम का नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका लेवल 2 का है, और एक ही CBT होना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 80 मिनट में 100 क्वेश्चन जो करने हैं, एक मिनट यहाँ से देखिएगा, जो 80 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, ये बिल्कुल सा आपका नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, जो पहले ELP टेक्नीशियन में सेम हुआ करता था, पहले CBT के पार्ट 1 में। तो यहाँ पार्ट 2 तो है नहीं, पार्ट 1 में ही सारा चीज़ें ख़त्म हो गई, यानी आपका नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो गया। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, और रेलवे कहते हैं टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट से थोड़ा अलग है और ये सही नहीं है। अब उनके अलावा जब वैकेंसी टेबल में आएंगे तो वैकेंसी टेबल में आपको सारा चीज़ें आपको दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, वैकेंसी कहाँ है, कम कहाँ है, ज़्यादा है। अब कुछ लोग तुलना करेंगे 1/2018 से 2/2024 की नोटिफिकेशन में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टेक्नीशियन के कम से कम 130 कैटेगरी थे और यहाँ पे आपको मात्र 18 कैटेगरी का वैकेंसी है, 18 सीरियल कैटेगरी नंबर 1 से लेके तक, यानी वैकेंसी को शॉर्ट कर दिया गया है, और शॉर्ट करके बहुत सारे पोस्ट को हाइड कर दिया गया है, नहीं दिया गया है। और C1 खास करके C1 मेडिकल, C1 C2 मेडिकल कहाँ होता था, ये होता था वर्कशॉप में, जहाँ पे आपको ट्रेन सिग्नल मेल लाइन से ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारे पोस्ट ख़त्म, और वो पोस्ट आपका शायद जो कंपनी है वो चलाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एग्रीमेंट होगा उससे चलाएंगे, जो ट्रेन के लिए बनाने होगा, यानी कोई कोच बनाना है तो वहाँ पे रेलवे के एम्प्लाई नहीं होके जो कंपनी का कोच बनेगा उस कंपनी का एम्प्लाई वहाँ पे काम करेगा, ये ऐसा इन्होंने कंसेप्ट दे दिया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपने देख ही लिया है, तो कोई भी पोस्ट अप्लाई करने से, फिटर का भी बहुत कम पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल TRS TRD इलेक्ट्रिकल का ठीक ठाक है, टेक्नीशियन ग्रेड फिटर वाले पोस्ट है लिमिटेड है, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेंट है, परमानेंट वे आपका
है, रिबीटर है, एस एन टी आपका टेक्नीशियन ग्रेड एस एन टी ये वाला हो गया, तो ये टेक्नीशियन ग्रेड एस एन टी वाला हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, ये सारा आपको तो रह ही गया, टर्नर वेल्डर रह ही गया। यानी टेक्नीशियन का पोस्ट दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं सिग्नल वाले का। एक तो केवल सिग्नल का हो गया पूरा प्योर रूप से, जो लेवल फाइव का पोस्ट है, और दूसरा सिग्नल का आपको यहाँ भी मिलेगा जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वाला आईटीआई वाले के लिए, और वहाँ पे आपका डिप्लोमा बीटेक वाला होगा। तो यहाँ पे इस वाले कैंडिडेट होंगे और भी ट्रेड के भर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वगैरह 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 भर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में 1200 के कुछ आसपास है, सभी आरआरबी देखेंगे 700 800 कई तीन चार आरआरबी का है 800 के रेंज में, 900 के रेंज में, बाकी के आरआरबी का 500 से नीचे ज़्यादा जाने वाले बहुत सारे आरआरबी हैं मुंबई में। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 1284 है, उसके बाद आपको बाकी आरआरबी में देखेंगे तो बहुत कम है, मुजफ्फरपुर में 111 ही है, पटना में देखेंगे 221 है, प्रयागराज में देखेंगे तो 338 है, उसके बाद सभी आरआरबी में कमी कमी है। तो यानी अगर मैंने कल बोला था सिकंदराबाद बंगलौर, एक बार अगर देखेंगे आप वेबसाइट पे जाके तो कई सारे ऐसे आरआरबी है जिसमें पिछले वैकेंसी का एक कम्युनिटी की वैकेंसी से भी पूरी ये टोटल वैकेंसी कम है। तो कुल मिला के जो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करेंगे उसमें मेहनत करना पड़ेगा, और ये नोटिफिकेशन पहले हमने देख ही चुके थे शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि इस बार कंपटीशन लेवल बहुत टफ होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।